हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी मैं सो के उठी हूँ, बज रहे हैं 5। तो बस यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सो के उठी हूँ, बेड की हालत ऐसी हो रखी है, तो इसको पहले ठीक कर लेती हूँ, फिर रूम के बाहर जाऊँगी। ये फ्रेंड्स देखिए, अभी 5 बजे नहीं है, 5 बजने वाले हैं। चलती हूँ किचन में, खुशी को देखिए। है ना सही, क्या हुआ खुशी, यहाँ क्यों सोई है? फैन चला के ठंड में, फैन चला के सोई है। भगवान जी को भी जगा देते हैं, शाम हो गई है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ठंडी है तो इनको भी ऊनी कपड़े पहनाना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलती हूँ किचन में, किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि खाना वाना खा के कुछ क्लीन नहीं की थी मैं, तो क्लीन कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी सामान जो भी बिखरा हुआ है सब अपने अपने जगह पे मैं रख लूँगी। जो भी बर्तन खाली करने हैं धोने हैं वो भी निकाल लेती हूँ मैं। शाम का यही डेली का रूटीन रहता है, सभी का यही रूटीन होता होगा, मेरा भी यही है। तो खाना खा के मैंने कुछ भी नहीं किया था, ऐसे ही किचन छोड़ के बस आराम करने चली गई थी, सो गई थी। अभी उठी हूँ, करीब करीब 5 ही बज रहे हैं अभी। तो ये दोपहर का खाना बनाने के बाद मैंने बर्तन जो साफ़ किए थे वही सब हैं, जो मैंने सब अपने अपनी जगह पे रख दिए हैं। फिर ये मैं बर्तन धो ले रही हूँ, जो दोपहर का खाने के जो भी थे। ये देखिए, जो नल में जो सावर हम लगाते हैं ना, ये हाथ से मेरे लग के गिर गया, तो टूट गया, लग ही नहीं रहा था। तो मैंने देखा टूट ही गया है, नहीं लगेगा, और तो मैंने निकाल दिया। ऐसे नल में से पानी ना बहुत धोने से बर्तन छींटने लगते हैं चारों तरफ, तो वो सावर लगा लो ना तो अच्छे से पानी आता है, इसलिए मैंने लगाया था, बट टूट गया है, कोई बात नहीं। और ये जो नल है ना, ये सरकारी नल है, जो मैं हमने डायरेक्ट किचन में करवा रखी है रसोई घर में, तो उसी से बस पीने का पानी भर लेती हूँ। गर्मियों में तो मैं मिट्टी की हांडी में पानी भरती हूँ, और मिट्टी का हांडी का पानी बहुत ठंडा हो जाता, तो ठंड में पिया नहीं जाता ठंडी के दिनों में, इसीलिए मैं ठंडी के दिन में मिट्टी की हांडी को हटा देती हूँ, बोतलों में ही भर के रख लेती हूँ पानी। और ये मक्खन निकाल लिया है मैंने, तो इसको अब मैं निकालूँगी। अब इसको निकाल के गैस पर रख के पिघला लूँगी। मक्खन को पिघलने के लिए ये रख दिया है, जब ठंडा हो गया अब चलिए थोड़ा कुछ काम और कर लेती हूँ मैं। कपड़े वगैरह समेटने हैं, फोल्ड करने हैं, तो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे रखे हुए कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। इवनिंग के यही काम होते हैं, सो के उठ के बिस्तर साफ करो, किचन साफ करो, और कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ। फिर शाम हो जाएगी, दिया बत्ती, चाय पीना, थोड़ी देर अपने लिए खुद के लिए टाइम, फिर वही खाना पीना। यही सब सभी के लाइफ में होता है, मेरे साथ ही नहीं, तो मेरा भी ऐसा ही है जैसे आप लोग के होता है। तो चलिए मैं कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ। तो बस कपड़े फोल्ड कर लूँगी, और ये जो आप देख रहे हैं खिड़की के दरवाजे पे स्वेटर वगैरह टंगी हुई है, तो फ्रेंड्स ठंडी के दिनों में इतनी स्वेटर हो जाती है, समेट के रखने की जगह भी नहीं होती, तो बस सब ऐसे ही टंगा देते हैं, जब जिसको ज़रूरत है लेके पहन लेते हैं, और बाकी ऐसे ही टंगा हुआ रहता है।
ठंडी के दिन में थोड़ा ऐसे ही रहता है। और ये अलमारी सिर्फ कपड़ों की है, आप लोग देख ही सकते हैं क्या हालत हो रखी है कपड़ों की। मैंने काफ़ी दिन से साफ नहीं किया है, मतलब अरेंज नहीं किया अलमारियों को, दिवाली पे ही जो किया था तो थोड़ा मेसी मेसी हो रखा है, आप लोग प्लीज़ माइंड मत करिएगा। फ्रेंड्स हो गए हैं कपड़े फोल्ड, बाकी ये कपड़े रखने के हैं उधर अलमारी में, उधर रख लूंगी। तो कपड़े रख के आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे जो मैंने घी पिघलने के लिए रखा था मक्खन, देखिए ऊपर के मतलब गिरने वाला था, मैं आ गई हूँ और साइड से थोड़ा सा गिर गया था, तो आग कैसे हो रही है आप लोग देखें। बट कोई नहीं, ऐसे हो जाता है कभी कभी, चम्मच से मैं इसको थोड़ा ये कर दूँगी तो और उफनेगा नहीं, बैठ के बस उबलते रहेगा। तो ठंडी के दिन है, खिड़की के पर्दे वगैरह मैं थोड़ा खींच लूँगी, ठंडी हवा आती है तो ठंड लगती है। और बाकी जो भी घर थोड़ा सा बिखरा हुआ कुछ सामान वगैरह तो उसको भी साइज करके रख दूँगी सही ढंग से। और ये देखिए हेडफोन मैं ही यूज़ करती हूँ, मैंने ही यहाँ रखा है, तो मैं उठा के उसको जगह पर रख दूँगी ताकि जब भी ज़रूरत हो तो मिल जाए, जो जहाँ लेते वो वहीं छोड़ देते। देखिए ये वाली ज़रूरत थी तो यहाँ पे पूरा सामान फैला के छोड़ दिया है, देखिए। हो गया है टाइम दिया बत्ती का, तो शाम की दिया बत्ती कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स हो गई है दिया बत्ती, मैंने क्लिप शूट करने के लिए रखा था ट्राइपॉड पर पता नहीं कैसे शूट नहीं हुआ है, तो बाद में मैं कर रही हूँ शूट। दिया बत्ती हो गई है, चाय बनाने की टाइम आ गई है, चाय बनाती हूँ, भोग लगा के फिर मैं पीती हूँ, आप लोग को सबको मालूम ही है। तो चलिए फिर चाय बना लेते हैं। देखिए क्या हो गया, पूरा का पूरा मक्खन जल गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा ध्यान भटक मतलब ध्यान नहीं रहता तो नुकसान हो जाता है, मेरा हो गया है नुकसान। इतना मेहनत से मैंने घी निकाला था जो जल गया। तो फिर आ गई हूँ किचन में, चाय बना के भूख लगा दूँगी। चाय हो गई है, शाम को इवनिंग में बच्चे लोग बैडमिंटन खेलते हैं, ठंडी में बैडमिंटन खेलने का मज़ा ही कुछ और होता है ना, तो बच्चे लोग बैडमिंटन खेलते हैं, तो मैं यही थोड़ा क्लिप ले ली हूँ यहाँ पे और हम एंजॉय करते हैं। देखकर खेलना तो मुझे नहीं आता, तो बच्चे लोग खेलते तो देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ फ्रेंड्स, लाइक करना ना भूलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये टाटा बाय बाय राधे राधे।